हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गुरुनीति में। आज अपन गुरुनीति के एट वाले लेक्चर में, केमिस्ट्री के एट वाले लेक्चर में आ गए हैं और आयोनिक इक्विलिब्रियम फर्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं हनुमान जांगिड, मेरा नाम संजय अग्रवाल। आज अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम के सर फर्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट में सर आज अपन डिस्कस करेंगे एक तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी मीन्स इलेक्ट्रोलाइट, एक तो फर्स्ट। सेकेंड अपन डिस्कस करेंगे एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में तीन पार्ट बेसिकली अपन डिस्कस करने वाले हैं, अरेनियस कंसेप्ट, ब्रोनस्टेड कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट, तीन। और उसके बाद वाटर एंड पीएच कैलकुलेशन। नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे बफर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबिलिटी के कंसेप्ट। तो सर इसका मतलब आज अपने पास जो लॉग वाला पार्ट है वो लॉग वाली कैलकुलेशन इसी में काम में आने वाला है। सर आज लॉग काम आएगा तो वो कल भी काम में आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी। ओके ओके, तो सर फिर अपन अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following molecule act as a Lewis acid? क्या बोलते हैं सर? सर इसमें ये बोला गया Lewis acid कौन सा होगा? तो अपन थोड़ा सा एक बार हिंट ले लेते हैं कि Lewis acid और बेस होते क्या एक्चुअल में। एक एक कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। मैं अगर बात करूं सर Lewis acid की, अगर अपन बात करें तो देखो लेविस एसिड होता क्या है सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेविस एसिड जो होता है सर वो होता है लोन पेयर एक्सेप्टर। बेसिकली ये थ्योरी जो है वो लोन पेयर से रिलेटेड है। लोन पेयर एक्सेप्टर जो होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। और लेविस बेस जो होते हैं, लेविस बेस की अगर मैं बात करूं तो लोन पेयर डोनर्स आर लेविस बेस। लेविस बेस जो होगा वो लोन पेयर डोनर होगा। सर इन शॉर्ट अपन ये भी बोल सकते हैं लेविस एसिड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी और लेविस बेस की जब बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी। सर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और अगर ये लोन पेयर डोनर कर रहा है इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्सेस में होगा। अच्छा, अब लेविस एसिड की बात करें कौन कौन हो सकते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। तो फर्स्ट एग्जांपल जो होगा इसका ऑल कैटायन, जितने भी कैटायन होते हैं वो सारे के सारे जो होंगे वो लेविस एसिड होंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल की बात करूं CH3+। सर मतलब जिसके ऊपर प्लस आ रहा है, मतलब जहां इलेक्ट्रॉन की अपन को लग रही कमी है, बिल्कुल वो लेविस एसिड की तरह काम करने वाला है। ओके, ये ऑल कैटायन CH3+ कार्बोनियम आयन बोलते हैं जो आप। सेकंड अगर अपन बात करें ऑक्टेट इनकम्प्लीट, मतलब बोले तो अष्टक इनकम्प्लीट, मतलब यदि किसी अणु या यौगिक में केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम का यदि अपने पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो अपन उसको लेविस एसिड में। बिल्कुल सर, जिसका अगर किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके शेयरिंग करने के बाद, तो उसे अपन लेविस एसिड बोलेंगे। सर इसका एग्जांपल BeCl2 ले सकते हैं क्या? सर बिल्कुल, BeCl2 ले लो आप, BH3 ले लो, ठीक है ना, ये सारे हो जाएंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीट। थर्ड नंबर सर ऐसा हो सकता है कि जो ऑक्टेट एक्सपांड कर सकते हैं जिनके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल जनरली जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट के होते हैं। बिल्कुल सर, थर्ड जैसे PCl5 ले ले सर। PCl5 जो है वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। ओके ओके, PCl5 जो होगा वो वैकेंट डी ऑर्बिटल है PCl5 के अंदर अभी भी, तो ये क्या कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। एक और मैं बात बोलूं, जैसे ये कोई स्पीशीज हो, CO2 हो गया, SO3 हो गया, ये स्पीशीज भी जो होगी वो लेविस एसिड की तरह ट्रीट कर सकती है। सर मतलब अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो यदि मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, लिखने में थोड़ा सा ये था लेंथी हो रहा था तो मैंने एग्जांपल लिखा सीधा कि अगर कोई सेंट्रल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उस कंडीशन में वो लेविस एसिड की तरह ट्रीट करेगा। बेटा यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड से मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बहुआबंध की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान हो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब इधर बहुआबंध की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं CO2 तो CO2 बेसिकली ये देख लो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O है, तो ये देखो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो ये बेसिकली जो होंगे वो सारे लेविस एसिड होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बोरोन का जो कंपाउंड होना चाहिए वो सारे के सारे लेविस एसिड की तरह ट्रीट करते हैं।
तो इसमें बोरोन का कंपाउंड है बिल्कुल फोर्थ वाला। तो सर केवल एक ही फोर्थ इसका मतलब आंसर हो गया आपके पास? आंसर तो फोर्थ हो गया। अब थोड़ी सी अपन लेविस बेस की बात कर लेते हैं और मैं जस्टिफाई करता हूँ कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है वो लेविस बेस होना चाहिए। सर लेविस बेस को एक्सप्लेन करें आप। सर लेविस बेस की अपन बात करते हैं तो वहां पे अपन सिंपली अभी अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाए तो ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, बिल्कुल सर, या अपन बोले जो ऑल एनायन स्पीशीज होंगी, बिल्कुल सर। यहाँ पे अपन इसका रिवर्स करते चले, ऑल एनायन चले, ऑल एनायन स्पीशीज, ऑल एनायन हो गया जैसे एफ माइनस हो गया, बिल्कुल सर, जिनके पास लोन पेयर हो, बिल्कुल लोन पेयर हो। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज है लोन पेयर के साथ सर ऑक्टेट कंप्लीट होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे ऑक्टेट इनकंप्लीट है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ऑक्टेट जैसे H2O की मैं बात करूं सर तो H2O में लोन पेयर है, दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। अगर आप ऑक्सीजन बनाओगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है। ये सेरिन के दो इलेक्ट्रॉन, इधर दो इलेक्ट्रॉन फोर और ये दो चार इलेक्ट्रॉन और हो गए लोन पेयर के, तो आठ इलेक्ट्रॉन तो है सर। ऑक्टेट कंप्लीट भी है, ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर अगर लोन पेयर होता है तो ये डोनेट करेगा। मतलब कुल मिला के यदि अपने पास लोन पेयर हो और वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल हो, ऑक्टेट कंप्लीट होना जरूरी है सर उसका। खुद के ऑक्टेट में ही काम आ जाएगा तो लुईस बेस की तरह काम कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं सर, कार्बिन जो होता है CCl2, CCl2 के अंदर लोन पेयर तो है कार्बन के पास लेकिन वो खुद के पास ही काम आ रहा है, लेकिन सर अभी इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये लेविस बेस तो नहीं है, इट इज नॉट लेविस बेस, ये लेविस बेस तो नहीं है, ये लेविस बेस हो जाएगा। ठीक है सर, तो अपन इसके अकॉर्डिंगली जो अपन ने रूल्स बताए हैं अभी अपन बच्चे खुद चेक कर लेंगे इस चीज को कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपना लुईस बेस हो जाएगा। यहाँ पे अपन से लुईस एसिड की बात की है तो अपन बोल सकते हैं अपना फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। और इन शॉर्ट अपन बच्चों को ये बता देते हैं कि लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से बात कर रहे हैं और लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशीज से बात कर रहे हैं। ये बोले तो इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति और वो बोले तो इलेक्ट्रॉन आधिक्य प्रजाति। ठीक है सर, तो चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन हुज 100 ml कंटेन 0.2 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन इट। सर इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो पहली बात तो अपन से बात की है पीएच की, लेकिन दे रखा है बेस। तो बेटा जब भी बेस की बात करता है तो बेस के लिए याद रखें पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो अल्फा होता है वो 1 होता है, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बिल्कुल सर, तो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करना भी बता देता हूं जिससे फर्दर जो क्वेश्चन आए वहां पे अपन को बार बार इतनी डिटेल में कैलकुलेशन को नहीं देखना पड़े। NaOH के लिए यदि अपन इसको ब्रेक करेंगे तो NaOH होता है अपना Na+OH-, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं अपन। हम यदि POH की बात करें क्योंकि बेस है तो बेस के लिए POH निकलेगी, तो मैं बोल सकता हूँ POH जो होगी वो होगी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर। तो मतलब सर आप कहने का मतलब मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो कि POH होती है तो माइनस का लॉग ऑफ दी OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो इसका मतलब तो पीएच जब होगी तो इसका मतलब वो माइनस की लॉग ऑफ दी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सर, सर जब भी अपन जैसे पीएच निकाल रहे तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ हो जाएगा, POH निकाल रहे हैं तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH- हो जाएगा। इसी तरीके से अपने पास आगे कुछ कांस्टेंट आएंगे जैसे K, बिल्कुल सर, अगर मैं ऐसा लिखूं कि pKa की अगर मैं बात करूं तो pKa जो होना चाहिए वो माइनस का लॉग, मतलब ओवरऑल ये कहने का मतलब हो गया सर p का मतलब माइनस लॉग होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये Ka दे रखा तो यहां Ka पुट करते, बिल्कुल इसी तरीके से Kb आ जाएगा, इसी तरीके से Kw भी आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस अपन ने इंक्लूड भी किए हैं तो अपन उनको वहां पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो माइनस लॉग OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अपन मोलरिटी मान के चल रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपन बात कर लिए थी मोलरिटी होगा, तो यहाँ पे वो C अल्फा होगी लेकिन अल्फा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग C के बराबर ही होगा। बिल्कुल, क्योंकि अल्फा बन इसलिए हो गया ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा मैं बात कर लूं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है जिसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% हो। सही बात है सर, बिल्कुल सर। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सर उसको ध्यान में रखते हुए मैंने बोला माइनस लॉग सी, अल्फा वन हो चुका है। बिल्कुल सर, अब अपन को जो वैल्यूज दे रखी है उससे मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाह रहा हूँ। सी अपन बात कर चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज द टाइप ऑफ मोलैरिटी। सही है सर, तो मोलैरिटी को अपन निकाल सकते हैं मोल अपॉन लीटर। तो यहां से मैं यदि बात करूं तो ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, NaOH तो 40 हो जाएगा। ठीक है, और इसका यदि वॉल्यूम बात करें, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है तो 100 ml की बात करूं तो 100/1000। सही बात है सर। सर इसको आई थिंक जब अपन सॉल्व करेंगे तो 0.05 समथिंग मिलेगा। बिल्कुल सर, सही बात है सर, 0.05 समथिंग मिलेगा। तो अपन को सर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस लॉग
0.05, कैलकुलेशन वगैरह एक बार बच्चे खुद भी चेक करें अच्छे से। तो यहाँ से अपन जब इसको सॉल्व करेंगे सर, ये इसका मतलब POH जो होगा वो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, माइनस का लॉग ऑफ दी 5 × 10⁻²। बिल्कुल, इससे अपना लॉग सॉल्व करना थोड़ा सा अपने लिए इजी हो जाएगा। सर अगर लॉग सॉल्व करेंगे वो अलग मैटर है, मैं यहाँ पे एक बार बोल दूं क्या सर, इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, m × n नहीं सॉल्व करके सीधा मैं POH लिख दूं, तो ये जो 10⁻²− लिखा हुआ था, जो पावर लिखी हुई है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो आप पहले। बिल्कुल सही बात है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते ही हो गया 2, फिर लगाओ माइनस, हाँ या जो मल्टीप्लाई में दे रखा है उसकी लॉग में वैल्यू लिख दो। बिल्कुल, 2 − log 5, अगर ये 2 − log 5 लिखा तो log 5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.7। बिल्कुल सही बात, अगर ये 0.7 हुआ तो POS तो आ गया 1.3। बिल्कुल सर, ये तो POS आया लेकिन मेरे से तो पूछा है PH। सर इसके लिए अपन को एक चीज याद होनी चाहिए, जो अपने पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम और एक तरीके से पूरे केमिस्ट्री में जहां भी पीएच पीओएच की बात आएगी तो एक चीज याद रखना है कि पीएच और पीओएच का जो एडिशन होता है वो 14 के इक्वल होता है। सर ये हमेशा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होगा क्या? सर हमेशा के लिए नहीं बोल सकते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट की बात की जाएगी। तो सर ये मेरे हिसाब से पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 जो होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बात हो रही है। सर ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि ये जो अपन ने बात की है एक्चुअली में ये एक तरीके से PKW की वैल्यू है। सर मैं ये कह रहा हूं कि जनरलाइज रिलेशन बोले तो PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW हो जाएगा सर। हाँ, जब तक अपन को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे तो अपन 25 डिग्री सेल्सियस मान के PKW की वैल्यू 14 मान लेते हैं, क्योंकि KW हमारा होता है 10⁻²−14। 25 डिग्री सेल्सियस पे सर, 25 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू होती है 10⁻²−14, तो PKW की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 14। सर ये भी अपन ने PKW इसी तरीके से निकाला, बिल्कुल सर, PKW इज इक्वल टू माइनस लॉग KW, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमको 25 डिग्री सेल्सियस पे PKW सही है सर कितना मिल जाएगा, 14। तो मैं यहां पे 14 यूज कर लिया। अब POH मेरी यदि 1.3 है तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो 12.7 आ जाना चाहिए सर। तो सर 14 में से 1.3 माइनस करेंगे तो अराउंड 12.7 समथिंग अपना पीएच, एप्रोक्सीमेट 12.7 सर। तो सर अपन ने ये देखा एप्रोक्सीमेट, तो अपने पास ऐसा एक ही ऑप्शन बनता है, थर्ड ऑप्शन। मैं सर इस क्वेश्चन के लिए बोल सकता हूं कि जो हमारे को डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग पीएच इसकी 12.7 होगी। बिल्कुल सर, क्योंकि अपन ने लॉग की वैल्यू 5 को 0.7 रखा, एग्जैक्ट वैल्यू 0.7 समथिंग कुछ होती है, 0.6990 मान के चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे तो अपना करेक्ट आंसर आएगा। बेटा इसमें ये ध्यान रखना, जितने भी पीएच वाले क्वेश्चन करेंगे तो लॉग मैंने आपको जैसा प्रीवियस लेक्चर जो अपना केमिकल इक्विलिब्रियम था वहां भी बोला था, लॉग अपना यहाँ पे भरपूर काम आएगा, तो लॉग आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चले सर आगे। बिल्कुल सर, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस। इसका मतलब सर ब्रोंस्टेड एसिड भी हो ब्रोंस्टेड बेस भी हो, तो मैं ऐसा बोल दूं सर ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों की तरह जो ट्रीट करता है उसे अपन बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। सर मतलब एम्फीप्रोटिक बोले तो सर उभयप्रोटिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं अपन, सर उभयप्रोटिक स्पीशीज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की बात कर रहा हूं। ओके ओके सर, ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो एच प्लस या प्रोटोन डोनेट करे, और ब्रोंस्टेड बेस वो होगा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो सर इसका मतलब अपन डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा एग्जांपल है जो H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है डोनेट भी कर सकता है। ओके ओके, इसका मतलब एम्फीप्रोटिक वो होता है जो प्रोटॉन डोनर हो एज वेल एज एक्सेप्टर भी हो। ओके ओके ओके, ये होना चाहिए सर। अब वो डोनेट भी करे और एक्सेप्टर भी हो। अब सर यहाँ पे प्रोटॉन की बात है या एसिडिक हाइड्रोजन की बात है, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो वही होगा सर जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो या फिर नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो या फिर हेलोजन के साथ कनेक्टेड हो या ऐसे कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए जो sp हाइब्रिडाइज हो। बिल्कुल सही। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ने लिया, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें ये हाइड्रोजन जो है वो यहां से कनेक्टेड है और ये COO- है, तो न ये H+ को एक्सेप्ट तो कर सकता है यहाँ पे सर, लेकिन डोनेट ये नहीं कर सकता है, क्योंकि ये वाले H जो है वो एसिडिक के लिए अवेलेबल प्रोटॉन के फॉर्मेट में रिलीज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो सर, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है डोनेट नहीं कर सकता, तो ये नहीं हो सकता है सर। कार्बोनेट में तो सर H+ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, तो ये तो होगा भी नहीं, ये ओनली फॉर H+ एक्सेप्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बात, और अपन को H+ एक्सेप्टर और डोनर दोनों दोनों चीज की अपन एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की बात कर रहे हैं। फिर सर नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं HPO4-2। सर ये एक्चुअल में स्पीशीज जो है ना वो इससे बनी हुई है H3PO4।
सर ये आप इसी की बात कर रहे हो क्या कि अपने पास मेन अपन तीन इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं H3PO4 H3PO3 बिल्कुल सर H3PO2 ऑक्सीएसिड और फास्फोरस है ये सर। इनके लिए अपन को इनकी बेसिसिटी भी याद रखनी होती है जो इंपॉर्टेंट है। इसकी 3 बात करते हैं, इसकी 2 बात करते हैं और इसकी 1 बात करते हैं। जो दिखता है वो होता नहीं सर, वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि दिख रहे 3 हाइड्रोजन है लेकिन तीनों हाइड्रोजन एसिडिक है नहीं सर। इसका मतलब अपन ये बोलते हैं कि जो रिएक्शन में रिप्लेसेबल एच जितने हो रहे हैं दैट इज द बेसिसिटी। बिल्कुल सर। ओके ओके ओके। तो उसके अकॉर्डिंग H3PO4 में 3 एच प्लस होने चाहिए थे। 3H+ में अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये 3H+ थे तो 3 में से आपने 2H+ आयन रिलीज करवा दिए। ये वाला गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सर अभी भी ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है तो इसका मतलब ये रिलीज तो कर सकता है, प्रोटोन रिलीज कर सकता है और यहाँ पे प्रोटोन वापस एक्सेप्ट भी कर सकता है यहाँ पे और यहाँ पे। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये प्रोटोन रिलीज भी करेगा और प्रोटोन को एक्सेप्ट भी करेगा। इसका मतलब सर अपना आंसर यही है, जो एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर सकता है, इसे अपन बोल रहे हैं एमफी प्रोटीन। एमफी प्रोटीन। सर फोर्थ को भी बात कर लेते हैं। फोर्थ वाला सर ओनली फॉर एच प्लस आयन डोनेट करने वाला है। एच प्लस आयन डोनेट करेगा तो ये जो होगा वो ब्रोंस्टेड एसिड होने वाला है ओनली फॉर। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट जो थे सर, ब्रोंस्टेड एसिड बेस और एमफी प्रोटीन। एमफी प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीट के अंदर 2-3 बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में भी इसके ऊपर सर क्वेश्चन आया है। और सर ये जनरली अपन को बस ये चीज याद रखनी है जो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दिया, प्रोटॉन डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर। बिल्कुल, साथ में ये केस जरूर याद रखे बेटा क्योंकि इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं वो ऑप्शंस में जरूर बात करी। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट सर, रेडॉक्स में भी आया है, मोल में भी बात हुई है, पी ब्लॉक में भी वापस बात होगी सर। मान लेते हैं कि ये सब आप लोगों को पता है, अपना आंसर यहाँ पे अपन को थर्ड ऑप्शन मिल चुका है। अब अपन सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अपन को द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.02 m CH3COOH सॉल्यूशन फॉर विच Ka इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻¹⁵। सर पहली बात तो अपन को जो CH3COOH के लिए बात कर रहा है ये हमको देखना पड़ेगा, CH3COOH अपना वीक एसिड है और वीक एसिड के साथ साथ मोनोबेसिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हो सर। ठीक है, और सर वीक मोनोबेसिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने ओस्टवाल्ड लॉ से पढ़ रखा है डायरेक्ट फॉर्मूला, के जो होता है अपना वो सी अल्फा स्क्वायर होता है। यदि अपन वीक मोनोबेसिक एसिड की बात, अगर मैं ऐसा बोलूं सर इसको, अगर एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट अगर अपन कंसीडर कर ले, अगर ए बी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया तो ये बनेगा ए प्लस और बी माइनस। बिल्कुल सही बात है सर। अगर ए प्लस और बी माइनस बनेगा तो मैंने टी इक्वल टू जीरो टाइम पे इसकी कंसेंट्रेशन सी ली, इसकी जीरो ली, इसकी जीरो ली, तो टी बराबर इक्विलिब्रियम पे मान लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इसका अल्फा है, तो यहाँ पे लिखूंगा सी माइनस सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा और यहाँ पे सी अल्फा। सर ये वही स्टोइकोमेट्री की तरह ही। बिल्कुल सर, उसी के अकॉर्डिंग जो अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखे तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी आएगा। सर एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है लेकिन आज वीक एसिड की बात कर रहे हैं, इसलिए इसे के बोल देते हैं। मैंने जनरलाइज लिया है तो के बोलो या के बोलो। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो सी अल्फा इनटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा, ये हो जाएगा सर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है मींस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, उस कंडीशन में 1 माइनस अल्फा 1 के इक्वल होगा तो के बराबर हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। एक तो सर ये फॉर्मूला जो है वो एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट जहां कहीं पे भी आएगा, चाहे सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में आए चाहे कहीं पे भी आएगा, तो ये फॉर्मूला फिक्स है के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अगर एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तब तो, और वो वीक है तो। अगर वीक नहीं है तो ये लगेगा फिर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, मतलब सर अल्फा को अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते यदि वीक नहीं है तो। नहीं है तो। ओके ओके, ठीक है सर। सेकंड थिंग मैं ये कह रहा हूं कि अगर एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें किसी आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो सी अल्फा के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर सी अल्फा के बराबर होगी, किसी भी आयन की कंसेंट्रेशन सी अल्फा के बराबर होती है तो वो सी अल्फा जो होता है वो रूट के इंटू सी के बराबर भी होता है सर। बिल्कुल सही। अगर वो वीक है तो, अदरवाइज नहीं, ये तो हमेशा रहेगा सी अल्फा, लेकिन अगर वीक है तो के इंटू सी के बराबर आएगा रूट में। सर ये ऐसा है, अपन ने एक आगे क्वेश्चन डिस्कस भी करना है अपन। बिल्कुल सर, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पे ये चीज क्लियर कर ली। एबी टाइप का अगर इलेक्ट्रोलाइट है 99.9% आपको एग्जाम में एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ही मिलना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बोल दिया के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो, और अगर सर वीक नहीं है तो फिर 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करना पड़ेगा और किसी भी आयन की कंसेंट्रेशन सी अल्फा होगी और अगर वो वीक है तो रूट के इंटू सी के बराबर भी होगा। तो सर अब अपन इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल सर। क्वेश्चन में अपन को के की वैल्यू दी है और ये सर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है,
कॉन्सेंट्रेशन हमारे को गिवन है 0.02, जिसे मैं 2×10⁻²- भी बोल सकता हूँ। सही बात है सर। तो सर यहाँ से अपन को यदि परसेंटेज डिसोसिएशन इट मीन्स अल्फा की बात कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू रूट के अपॉन सी। सही बात है सर। यस सर। यहाँ पे यदि अपन वैल्यूज को पुट करें तो ये है 1.8×10⁻⁵ अपॉन 2×10⁻²। यदि सर अपन इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा सर 3×10⁻⁴। 3×10⁻⁴। बिल्कुल सर, स्क्वायर रूट में। सर स्क्वायर रूट में, अच्छा ये तो स्क्वायर से बाहर आ चुका है ना सर। हाँ, तो ये -2 बन जाएगा सर। तो सर ये -2 हो जाएगा। और सर जब परसेंट अल्फा की बात करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपन को सर ये अराउंड 3% के समथिंग अपना आंसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे है और अपन को यहाँ पे ये फॉर्मूला याद है तो अपन को डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर, तो फिर अपन चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है? नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही इजी प्रॉब्लम बोल रहा है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ गिव सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट। तो सर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोलाइट के नाम आ गया। जैसा आपने पहले बताया इलेक्ट्रोलाइट 2 types के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसके लिए अल्फा बहुत कम हो। बिल्कुल सर, अल्फा लगभग आप ये बोल सकते हो 5% या उससे भी कम हो। बिल्कुल सही बात है। तो सर अपन ये बोल दें कि जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वो हमने थ्योरी में पढ़ा है, इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बिल्कुल सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेटिस्फाई होगा ये। तो सर यहाँ पे हमने देखा ये तो अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये सर अपन ने बात कर ली, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये भी सर स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। सही है सर, इसका मतलब ये हमारा वीक एसिड है, हमें पता भी है और ओस्टवाल्ड लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। तो अपना सर थर्ड आंसर हो जाना। बिल्कुल सर। ओके सर, तो अपन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द पीएच ऑफ 0.001 BaOH ट्वाइस सॉल्यूशन विल बी। सर पहली बात तो मैं इसकी बात कर लूं तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, इसको मैं 10⁻³ बोल सकता हूं। बिल्कुल सर। सर ये BaOH ट्वाइस आई थिंक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस होगा सर, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मैं ऐसे इसका अगर डिसोसिएशन लिखता हूं BaOH होल ट्वाइस का तो ये ऐसा बनेगा Ba+2+2 OH- ion। बिल्कुल सही बात है। अगर इसकी कंसेंट्रेशन मैंने सर C ली है तो मैंने अभी बोला था ये होगा C अल्फा लास्ट में टूटने के बाद। अच्छा इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे, और ये होगा 2C अल्फा। सर मतलब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ स्टोइकोमेट्रिक है। बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। अब 2C अल्फा हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा हो गया 1 और OH माइनस आयन की जो कंसेंट्रेशन होगी वो हो जाएगी 2C के बराबर और C की वैल्यू दे रखी है 10⁻³। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बन गया, OH माइनस आ गया। बिल्कुल सही बात। OH माइनस आ गया तो POH मैं सीधा अप्लाई कर देता हूं। मैंने बोला था सर ये जो पावर माइनस में दे रखी है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस लॉग, ये जो मल्टीप्लाई दे रखा है इसको लॉग में लिख लो। बिल्कुल सही बात है सर। अगर इसकी वैल्यू लेके आओगे तो 3 - log 2 log 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो ये बन जाएगा 2.7। अगर पीओएच 2.7 बना है सर, अपन से पूछा पीएच है। पीएच है सर, इस चीज का भी अपन को ध्यान रखना है, जल्दीबाजी करेंगे और ऑप्शन में यदि ध्यान नहीं देंगे। ये है सर 2.7 भी ऑप्शन में है, इसलिए सर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि यहाँ पीएच पूछिए या पीओएच। बिल्कुल सही है सर, पीएच पूछी है तो फिर से अपन को जब टेम्परेचर की बात नहीं की है तो अपन जनरलाइज मान ले पीएच प्लस पीओएच 14 होगा। तो यहाँ से POH अपने पास 2.7 आ गया तो pH मैं बोल सकता हूँ 14 - 2.7। बिल्कुल सर, 11, तो सर यहाँ से मैं बात करूँ 11.3 pH आएगा इसके। बिल्कुल, तो इसके अकॉर्डिंग सर अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाना। बिल्कुल सही है सर। ये लॉग की प्रॉपर्टीज का बेटा थोड़ा सा आप ध्यान रखें और इसको रफ कॉपी में सॉल्व करके देखें एक्चुअली में हो क्या रहा है। चले सर आगे। ओके सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, What will be the pH of solution formed by mixing of 10 ml of 0.1 MH2SO4 and 10 ml of N/10 KOS? Sir, ये बहुत important question है। Sir, ये question जो बन गया है वो मोल में भी आएगा, redox में भी आएगा, redox में भी था और यहाँ पे भी आया है। बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी अपन एसिड में बेस मिक्स कर रहे हैं तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है N1V1 - N2V2 अपॉन V1 + V2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है सर।
बिल्कुल सही है सर। तो सर यहाँ पे अपन पहली बात तो ये बात करें, ये नॉर्मलिटी की सर, मेरे हिसाब से आपने माइनस इसलिए किया होगा क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाता है। तो सर न्यूट्रल होंगे तो न्यूट्रल वाले पार्ट को अपन ने हटा दिया है। सही। अब सर यहाँ पे अपन एक टर्म आई है नॉर्मलिटी, वैसे तो ये सब लोग पढ़ चुके हैं फिर भी अपन बात कर ले। नॉर्मलिटी होती है अपना मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो सर इसके लिए यदि मैं नॉर्मलिटी बात करूं तो नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.1 इंटू 2 क्योंकि इसका एन फैक्टर 2 होगा। बिल्कुल सर। तो सर यहां पे हमको मिल जाएगा 0.2 नॉर्मलिटी, 0.2 हो जाएगी H2SO4 की। बिल्कुल। और यहां पे सर KOH के लिए डायरेक्ट हमारे को नॉर्मलिटी 1/10 दे रखी है, 0.1 हो जाएगा सर, 0.1। तो सर अब अपन को इसमें डिसाइड करना पड़ेगा वैल्यूज के अकॉर्डिंग कि कौन 1 वाला बनेगा कौन 2। बिल्कुल सर। तो सर यहां पे यदि मैं चेक करूं तो सर इसके लिए चेक करूं मैं तो n into v हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा सर। सर यहां पे n into v जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2 और यहां पे n into v की बात करें वो आएगा 1। तो सर इसका मतलब ये 2 है ये 1 है तो इसको तो सेकंड वाला मान लेता हूं और इसको 1 वाला मान लेता हूं। सही बात है सर। तो यहां से सर अपन बात करें तो 2-1 वॉल्यूम दोनों का ऐड हो रहा है तो सर 10 और 10 20 हो जाएगा सर। ml में ही चलने देते हैं ऊपर ml में क्योंकि आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया ml में ml में लिया है। तो सर यहां से अपन ने ये देख लिया है तो ये अपन को 1/20 मिला। अगेन ये 0.05 हो जाएगा। बिल्कुल सर 0.05 आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट n जो है बिकॉज़ यहां पे आज एसिड बढ़ा है तो रिजल्टेंट n अपना H+ आयन कंसंट्रेशन के इक्वल आएगा। बिल्कुल H+ आएगा। तो सर यदि ये H+ आयन कंसंट्रेशन है तो pH निकलेगी। ये चीज बेटा यहां पे ध्यान रखनी जरूरी है। यदि बेस बड़ा होता तो pOH निकलती, एसिड बढ़ा है तो पीएच। सर रिजल्टेड आयन H+ आएगा तो पीएच आएगी, अगर रिजल्टेड आयन OH- आता तो पीओएच आ गया। बिल्कुल सही बात है सर। अब H+ आयन अगर आ गया है तो H+ आयन को मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे लॉग लेना आसान हो, 5×10⁻²। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसका पीएच लेना है तो वही तरीका, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हो गया 2-log 5 और log 5 की वैल्यू होती है 0.7 तो ये pH जो आएगा वो सर 1.3 के आसपास आएगा। सर ये pH ही हमसे पूछा है 1.3 तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें log भी पूछा था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे आप MTR लगा सकते हो। सर MTR बोले तो मुझे तो रटो। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब एसिड बेस मिला रहे हैं तब तो यहाँ माइनस आ जाएगा और जब एसिड में एसिड या बेस में बेस मिलाते हैं तब यहाँ पे प्लस आ जाता है। बिल्कुल सही सर। चले सर आगे। चलो सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 10⁻⁶ m NaOH is diluted 100 times then the pH of diluted base। सर यहाँ पे diluted वर्ड यूज आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल दूं कि जब भी डाइल्यूशन के केस की बात की जाती है, डाइल्यूशन मतलब कि किसी की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना और जनरली हम एज ए सॉल्वेंट वाटर ऐड करके किसी की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं। सर तो डाइल्यूशन के लिए सर अपन ये डाइल्यूशन का मतलब ये होता है ओवरऑल सर सॉल्वेंट ऐड करना। बिल्कुल सही बात। सॉल्वेंट अगर आप ऐड करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, सॉल्यूट में कोई भी चेंज नहीं होता है। बिल्कुल सही। अगर सॉल्यूट में अगर चेंज नहीं होता है तो जैसे मोलारिटी का अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम होता है। बिल्कुल सही बात। वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मोलारिटी डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल सही। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो मोलारिटी अल्टीमेटली डिक्रीज होने वाली है सर। बिल्कुल सही बात है। और सर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ डाइल्यूशन के केस में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो रिमेंस कांस्टेंट रहने वाले, सॉल्यूट के वही रहेंगे। तो सर मैं ये बोल दूं बिफोर द मोल और आफ्टर द मोल इक्वल होंगे। बिल्कुल सर। और सर हमको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ से सर मैं ये बोल सकता हूँ मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा। और सर यदि नॉर्मलिटी के केस में बात करेंगे तो वो नॉर्मलिटी का केस लग जाएगा। तो सर मैं डाइल्यूशन के केस में बोल सकता हूँ ऑन डाइल्यूशन अपन यदि फॉर्मूला लगा लें तो अपन सिंपल फॉर्मूला ये बोल सकते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मतलब अपन यहाँ पे ये बात कर रहे हैं बिफोर द डाइल्यूशन और आफ्टर द डाइल्यूशन। तो सर यहाँ पे अपन बात करें पहले हमको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10⁻⁶, वॉल्यूम को सर मैं पहले वॉल्यूम कंसीडर ये मान लेता हूं, बाद में मुझे m2 निकालना है, बाद में क्या कॉन्सेंट्रेशन हो गई है और वॉल्यूम 100V हो जाएगा। 100V हो जाएगा। यहां से सर v से ये भी अपना कैंसिल आउट हो गया है तो सर m2 आ जाएगा 10⁻⁸। बिल्कुल सही बात है सर। सर ये अपन NaOH के लिए बात कर रहे हैं जो तो बेस है तो pOH निकलेगी, इसकी pOH निकलेगी। तो सर अपन ने पहले भी बात कर चुके हैं OH माइनस जो आना चाहिए फ्रॉम NaOH, तो NaOH से जो OH माइनस आएगा वो 10⁻⁸ आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। सर इसका ऐसे कर लूं क्या कि pH जो आएगा वो सीधा ऐसा बोल दूं क्या कि pOH जो आएगा वो 8 आएगा। बिल्कुल सही बात है सर। सर pOH अगर 8 आएगा तो pH जो आएगी वो तो 6 हो जाएगी। सर यहां से मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है चक्कर। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए ये लिख रहा था आपसे पूछ के कि pOH 8 लिख दी जाए क्या,
और पीएच 6 लिख दी जाए क्या सर? ये ऐसा लिख दिया, ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है सर कि पीएच इक्वल टू 6 एग्जैक्ट, और अदरवाइज यहीं पे टिक हो जाता है, लेकिन ये गलत है सर। ये गलत इसलिए है क्योंकि हमको पता है जनरली जब अपन बेस की बात करते हैं तो पीएच 7 से ज्यादा रहती है, 7 से ज्यादा आना चाहिए, और ऐसी तो है तो से कम आ गई, 7 से कम सर। तो ये बेस की बात कर रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेस, और उसकी पीएच 6 से 7 से कम पॉसिबल नहीं है सर। तो सर अब अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं सर? इसके अंदर जब मैं ऐसा बोलूं कि ऐसी सिचुएशन आने लग जाए सर, नेक्स्ट पेज पे अपन बात करें, इस कॉन्सेप्ट को पूरा ही समझ लेते हैं। अगर अपन ऐसा बात करें, एसिड और बेस दोनों के लिए बात कर लेते हैं, अगर H प्लस फ्रॉम एसिड से जो आ रहा है वो अगर 10^-6 से ज्यादा आ रहा है, ओके ओके, तो उस कंडीशन में इक्वल भी कर सकते हैं। H प्लस जो टोटल बनना चाहिए वो ये बनेगा कि H प्लस फ्रॉम एसिड ही कंसिडर करें आप, ओके ओके ठीक है। जब तक 10^-6 आ रहा है H प्लस आए एसिड से, तब तक तो अपन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही H प्लस आयन फ्रॉम एसिड से जो आ रहा है वो अगर 10^-6 से कम आने लग जाए, -7 आ जाए, 10^-8 आना स्टार्ट हो जाए, उस समय H प्लस आयन जो टोटल होगा, H प्लस आयन जो टोटल होगा वो H प्लस फ्रॉम एसिड से तो लेना ही लेना है, साथ में वाटर का भी लेना है, और वाटर का जो होता है वो होगा 10^-7। ओके, ये दो केस रहेंगे सर। और बेस वाले केस में होगा तो OH माइनस फ्रॉम बेस से आएगा, तो अगर वो 10^-6 से आ रहा तो ओनली फॉर OH वहीं से ले लो बेस से, और अगर OH माइनस आयन फ्रॉम बेस से अगर लेस देन 10^-6 आ रहा है, उस कंडीशन में वाटर का भी कंसीडर करना पड़ेगा। सही बात है सर। अभी जैसे अपन ने कंसीडर किया था सर, OH माइनस आयन बेस से जो आ रहा था वो आ रहा था 10^-8 आया था सर, 8 आया था, यस सर, माइनस 8 आया था। तो OH माइनस फ्रॉम बेस से अगर सर 10^-6 से कम आ गया तो OH माइनस जो टोटल बनेगा सर, OH माइनस जो टोटल बनेगा वो बनना चाहिए क्या? OH माइनस फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर से बनना चाहिए। तो सर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि ये 10^-8 तो ये हो गया, और 10^-7 उसका हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सर। ओके, आप ऐड करके सर इसकी पीओएच कैलकुलेट करें। सर इसमें एक चीज अपन को ये भी याद रखनी पड़ेगी और बच्चों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही आपने 10^-8 प्लस 10^-7 किया तो याद रखें ये जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई में ऐड हो सकती हैं, ये डायरेक्ट एडिशन नहीं होगी सर। तो अपन को सर इसमें कॉमन निकालना पड़ेगा, तो सर अपन इसमें क्या कॉमन ले लें सर? ये 1.1 × 10^-7 बन जाएगा, 1.1 × 10^-7 आ गया है। तो सर यहाँ से अब अपन इसकी पहले पीओएच निकाल लेंगे। बिल्कुल सर। तो सर पीओएच का वही तरीका है जैसा आपने बताया, 7 − log 1.1 ठीक है सर, ये लगभग हो जाएगा 6.97 के आसपास हो जाएगा। ये सर अपने पास लगभग 6.9697 आता है सर। और सर यदि पीओएच इतना आ गया तो पीएच मैं बोल सकता हूँ 14 − 6.96, तो अपन इसको सॉल्व करें तो ये अराउंड 7.04। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अपने पास जो बेस की पीएच है, जो अपन एनएओएच की बात कर रहे थे, वो आज अल्टीमेटली हमारे पास 7 से ज्यादा आई है, चाहे थोड़ी सी भी ज्यादा आई हो, बिल्कुल सर आज अपना आंसर अब करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब बेस होता तो पीएच 7 से ज्यादा होनी चाहिए, एसिड होता तो पीएच 7 से कम होनी चाहिए, और न्यूट्रल है जैसे वाटर है तो उसकी पीएच 7 होगी सर। तो सर इसका मतलब यदि 7 आ जाता तो भी गलत होता, तो भी अपन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो सर अब अपन चलते हैं इस पहले वाले क्वेश्चन पे जो बोल रहा है अपन को, तो बिटवीन 7 और 8 सही आंसर हो जाएगा सर, बिकॉज 7.04 हो रहा है तो 7 और 8 के बीच में रहेगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका आपने को कॉन्सेप्ट भी पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल सर। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू HCl सॉल्यूशन ऑफ pH 3 एंड pH 5 वर मिक्स्ड, व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। सर ये अपन ने पहले भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब सेम एसिड में एसिड मिला रहे हैं या बेस में बेस मिला रहे हैं तो अपन फॉर्मूला जो यूज कर दे प्लस लगा के N1V1 + N2V2 / V1 + V2। तो सर मैं ये बोल सकता हूँ N1V1 + N2V2, अभी तो यहाँ पे दो है, दो से ज्यादा होते तो N3V3 भी हो जाता, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे V1 + V2 = N, करेक्ट बात है सर? बिल्कुल सर। और वो HCl की भी आएगी सीधी, क्योंकि बिकॉज एन फैक्टर HCl के लिए बन रहेगा, चाहे आप नॉर्मेलिटी बात करो चाहे मोलरिटी, दोनों सेम रहेगी। इसके लिए एन फैक्टर 1 है तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। तो सर यहाँ पे यदि मैं इनकी वैल्यूज को ध्यान रखूं तो सर ये जो pH 3 है तो मैं यहाँ से H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10^-3 डायरेक्ट बोल सकता हूँ। यहाँ से H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगी सर वो हो जाएगी 10^-5। बिल्कुल सही बात है सर।
तो सर यहाँ से अपन को कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया है, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, तो वी वॉल्यूम तो सर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 10^-3V प्लस 10^-5V अपॉन v प्लस वी 2V, दैट इज द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन आज H प्लस के इक्वल आएगी क्योंकि एसिड के साथ एसिड मिला है। तो सर यहाँ से मैंने v को कैंसिल आउट कर दिया, तो v को जैसे कैंसिल आउट किया तो अपना ये बनता है 10^-3 प्लस 10^-5 अपॉन 2। सही बात है। तो सर यहाँ से भी अपन को कॉमन लेना पड़ेगा और सर सॉल्व करके देखते हैं, देखे क्या आएगा। यहाँ से H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन मिल जाएगी सर, ये बन जाएगा 10^-3 अगर -3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से बच जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 2 बच जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, ये हो जाएगा 1.01 डिवाइड बाई 2 इंटू 10^-3 बच जाएगा सर। ये आ गया H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर इसकी पीएच की बात करें तो पीएच हो जाएगा सर इसका 3 माइनस लॉग 1.01 डिवाइड बाई 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं सर, लॉग 1.01 माइनस लॉग 2। तो सर इधर आपने यही प्रॉपर्टी लगाई है, लॉग m/n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। ओके सर, लॉग 1.01 एप्रोक्सीमेट सर 0 ही रहेगा। ओके, एप्रोक्सीमेट की बात करूं तो ये लगभग 0 रहेगा। लॉग 2 की वैल्यू 0.3 है, माइनस आगे पड़ा है, माइनस माइनस प्लस होने वाला है सर। ये लगभग लगभग जो आएगा 3.3 के आसपास बनेगी सर। तो सर अपना यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर अपन को मिल गया है 3.3। बिल्कुल सर। बेटा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 3.3 के साथ 3.5 है सर, तो थोड़ा सा क्लोजली मामला है, तो थोड़ा इस चीज सर मोस्ट ऑफ द केस में मैंने जितना ऑब्जर्व किया है पीएच में, अगर पीएच का कैलकुलेशन आएगा तो आपको एग्जामिनर लॉग की वैल्यू 100% देगा, जिससे अपना टाइम कंज्यूम। बिल्कुल, आपको लॉग 1.01 की जो भी वैल्यू आ रही होगी ना सर यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी बेसिकली। मैंने तो इसको 1 कंसीडर करते हुए 0 ले लिया है। चले सर आगे। ठीक है सर, तो फिर अपना इसका आंसर 4 हो गया है। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 बोल रहा है द एच प्लस ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन दैट इज 0.01 एम एसिटिक एसिड एंड 0.01 एम इन बेंजोइक एसिड, दोनों के लिए। सर दोनों वीक एसिड है मेरे ख्याल से, दोनों वीक एसिड है सर। इनका के चेक करो आप, तो सर इनका के 6. इसका के 1.8 × 10^-5 और इसका 6.3 × 10^-5। तो सर यहाँ पे अपन देख ले दोनों वीक एसिड है, और वीक एसिड सर इनका के भी वैल्यू एक तरीके से बहुत कम है, तो सर अल्फा भी बहुत कम हो जाएगा। अल्फा कम होगा सर, बिल्कुल कम होगा। और सर जब अल्फा कम हो और जब दो वीक एसिड की बात करें तो डायरेक्टली अपन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं √K1C1 + K2C2। तो सर ओवरऑल जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी वो मैं बोल सकता हूँ K1C1 + K2C2 और ये रूट में ले लूंगा सर। सही बात है सर। तो सर यहाँ पे थोड़ा सा बस कैलकुलेशन का रोल है, बाकी सारी चीजें इजी है। तो यहाँ पे मैं बात करूं 1.8 × 10^-5 सर, इस कॉन्सेंट्रेशन को मैं 10^-2 लिख सकता हूं, कर सकता हूं, और दोनों के लिए कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है। तो ये 10^-2 प्लस यहाँ पे बात करें 6.3 × 10^-5 × 10^-2, ये सर हमारे को अंडर रूट में दे रखा है। यहाँ से सर मैं ये देखो 10^-7 यहाँ भी बन रहा है, 10^-7 यहाँ भी बन रहा है। तो सर 10^-4 बार आ गया कॉमन लेके और अंडर रूट से 83 हो गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ गया सर। तो सर ये डायरेक्टली हमारे को इसका आंसर मिल गया 9 × 10^-4। तो इसका मतलब सर ये अपना आंसर करेक्ट होगा। बिल्कुल, अगर वीक एसिड है और उसमें अगर अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 है उस कंडीशन में H प्लस आयन जो होगा सर वो इस वाले फॉर्मूले से आएगा। इसको आपको याद रखना है √K1C1 + K2C2 वाले। अब ये सोच रहे होंगे सर कि अल्फा कम कैसे आया, तो बेटा अपने पहले भी पढ़ा है वीक एसिड के लिए, जैसा सर ने बताया था कि ये जो होता है सी अल्फा स्क्वायर होता है, तो ये अल्फा के एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लिख लेगा। बिल्कुल सर, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने चेक किया कि ये बहुत स्मॉल है तो अल्फा भी स्मॉल है, और जब अल्फा स्मॉल हो तो वीक एसिड के लिए अपन डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलो सर आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड HA1 एंड HA2 इज 4/9, देन रेशियो ऑफ दीज डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है। सर ये एसिड बेस की थ्योरी के अंदर है कि दो एसिड को कंपैरिजन करना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे। तो सर रिलेटिव स्ट्रेंथ का मेरे ख्याल से डायरेक्टली फॉर्मूला अपन ये बोल सकते हैं कि जो उनकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसको अपन एक तरीके से चेक कर रहे हैं सर। रिलेटिव स्ट्रेंथ उसी को बोलते हैं सर, जो जितना ज्यादा H प्लस आयन देगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है सर, तो फिर अपन ये H प्लस अपन को पता है जब अपन एसिड की बात कर रहे हैं और वीक एसिड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो सी अल्फा की इक्वल आ जाता है, सी अल्फा के बराबर। तो सर यहाँ पे अपन कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या बोलेंगे इसमें सर,
कंसंट्रेशन आपको सेम रखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप चेक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेम कंसंट्रेशन से कंपैरिजन में ही कंपैरिजन कर पाओगे। मैं बोल दूं सी अल्फा 1 अपॉन सी अल्फा 2 सी से सी चला जाएगा, और अल्फा हम पढ़ के आए हैं के ए 1 अपॉन सी के 2 अपॉन सी, ये दोनों अपने पास रूट में चलेंगे सर। बिल्कुल सर, कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्सेंट्रेशन जाएगी सेम है, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ रूट के वन अपॉन के टू, सही बात है सर। ये हो गया सर 4/9 के इक्वल दे रखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो मतलब सर ये दे रखा है अपन को 4/9, तो मैं ये बोल सकता हूँ 4/9 इज इक्वल टू के वन अपॉन के टू अंडर रूट में। और सर हमसे आज पूछा है इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब वियोजन स्थिरांक k, तो सर जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग करते ही मुझे k1 / k2 जो मिलेगा वो 16/81 मिलना चाहिए। बिल्कुल सर 16/81 ये है, तो सर इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप दो एसिड का कंपैरिजन करना चाहते हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो वो उसी कंडीशन में सर चेक कर पाओगे जब आप उनकी कंसंट्रेशन को सेम रखो, अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगा तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे। ओके ओके ओके, तो कंसंट्रेशन जब सेम रहेगा तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है लास्ट में कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होता है वो रूट में K1 अपॉन K2 होता है, ये तो एसिड के लिए हो जाएगा, और बेस के लिए बात करूंगा तो KB1 अपॉन KB2 हो जाएगा सर। मतलब सर KB जो डिसोसिएशन कांस्टेंट बेस का, उसकी बात कर बेस के लिए। ओके ओके, चलिए सर आगे। बिल्कुल सर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 12 बोलता है इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ BOH चेंज इनटू B++OH- एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस वन, then equilibrium constant for this reaction at same temperature. तो सर क्या करें इसमें पर? सर मेरे को इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है सेकंड वाली रिएक्शन को देखने के बाद कि ये जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने BOH डिसोसिएट हो रहा है B++OH- में, तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है मतलब इसको अपन KA1 मान ले तो ये आएगा सर। ऑटो पायरेसिस का केस है क्या? स्वयं ऑटो प्रोटोलाइसिस का केस है सर। इसके अंदर ऑटो प्रोटोलाइसिस जो होता है वाटर का वो ये होता है 2H2O कन्वर्ट होता है सर H3O+ OH- में, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है 10^-14। सर ये तो वाटर के लिए जब सेल्फ आयनाइजेशन, सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसी को ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं सर। एक तरीके से KW की वैल्यू की भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही से आया है सर। ओके ओके ओके, अब ये दो इक्वेशन बन गई सर। इन दो इक्वेशन की हेल्प से आपको ये वाली इक्वेशन लेके आनी है सर। ओके, तो सर ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन बन गया है सर। सर जो रिएक्शन का मोड आपने बताया था कि रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, और यदि इन्वर्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसी से रिलेटेड बात है। ये रिएक्शन सर ऐसे बनेगी, इस रिएक्शन को माइनस करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो सर, या तो माइनस को इसको, बिल्कुल सही बात है, या इसको रिवर्स कर दो, बात एक ही हो जाएगी, OH से OH कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा BOH+H3O+ और कन्वर्ट हुआ B++2H2O में। बेटा माइनस करने का मतलब सर का ये है कि इस वाली रिएक्शन को अपन ने रिवर्स करके ऐड कर दिया, दोनों बात सेम ही होगी, और जैसे रिवर्स किया तो 10^-14 की जगह क्या हो जाएगा 10^+14 हो जाएगा, और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को फिर मल्टीप्लाई किया तो इस रिएक्शन के लिए बात करूं तो ये होगा 2.5 × 10^-6 × 10^14, और जैसे ही इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 2.5 × 10^8 आएगा, सही बात है क्या सर? बिल्कुल सर सही, ऐसे ही होगा। तो सर इसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन की बात करें तो सर अपना सेकंड ऑप्शन सेकंड आंसर करेगा। तो बेटा ये अपना वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन केस, जैसा सर ने बताया कि अपना ये जो अपन ने बात किया है ऑटो प्रोटोलाइसिस प्रोटोलाइसिस की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है? तो सर आगे चलें। बिल्कुल सर, तो आगे सर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ 0.1 एक्वस H2S सॉल्यूशन व्हेन K1 एंड K2 फॉर H2S इज 10^-7 एंड 1.3 × 10^-13 रेस्पेक्टिवली। सर मेरे को यहाँ जो पता लग रहा है K1 की वैल्यू ये दे रहा है 10^-7, K2 की वैल्यू जो दे रहा है 1.3 × 10^-13। सर यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अपन ऑब्जर्व करें तो ये पता लग रहा है K2 इज वेरी वेरी लेस देन K1। सर ओवरऑल मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि H2S जो है ना वो पॉलीप्रोटिक एसिड है, तो मतलब दो स्टेप में ब्रेक होगा, ये दो स्टेप में ब्रेक होगा। अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है तो ये दो स्टेप में मतलब दो प्रोटोन रिलीज करने वाला है। फर्स्ट अगर प्रोटोन रिलीज करता है तो H+ HS- बनेगा, बिल्कुल सही बात है सर, और इसका ये होगा KA1, बिल्कुल सही बात है सर। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में HS- जो है वो कन्वर्ट होगा H+ S-2 में और ये होगा KA2। ओके सर, जनरली ये ऑब्जर्वेशन है कि KA1 जो होगा वो मच ग्रेटर देन KA2 होगा, और अगर K3 और होता है अगर पॉलीप्रोटिक एसिड में तो KA2 KA3 के कंपैरेटिव में और ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात है सर, है ना सर।
अगर पॉलीप्रोटिक एसिड का जब भी केस आए और आपको एच प्लस आयन चाहिए, तो एच प्लस आयन तो फर्स्ट डिसोसिएशन से ही लेना है, कॉन्सेंट्रेशन जो मिलेगी मेरे को वो सी अल्फा मिल जाएगी। सी अल्फा मिल जाएगी सर। सी हमारे को सी अल्फा अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर V इलेक्ट्रोलाइट है तो वो रूट के इनटू C के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 लेना पड़ेगा जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि K2 इज वेरी वेरी लेस देन K1। तो यहां पे यदि अपन इसको बात करें तो K1 अपन को गिवन है 10^-7। C की बात करें अपन 0.1 है तो 10^-1 हो गए। तो ये आ गया आपके पास 10^-1, और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे सर तो ये 10^-4 आ जाएगा, तो पीएच 4 बन जाएगी सर। तो अगर सर, ये दे रखा है तो पीएच 4 बन जाएगी, क्योंकि एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो इससे पीएच आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 4 आएगी, पीएच 4 आ जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट सर इसीलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि अपन K2 को कंसीडर नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो लगभग पीएच देने का बोलने का रीजन यही था। ओके ओके, तो सर इसका मतलब कैलकुलेशन भी इजी हो जाए, डायरेक्टली डाइल्यूशन का क्वेश्चन था। बिल्कुल, आपको इसके ऊपर सोचना ही नहीं कभी भी, अगर आपसे जब भी पीएच से रिलेटेड पूछा जाए पॉलीप्रोटिक एसिड का, तो आप फर्स्ट डिसोसिएशन को कंसीडर करें ओनली 4 सर। ओके ओके सर, तो फिर अपना इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर फर्स्ट ऑप्शन मिलता है जो 4 है, लगभग पीएच की जो बात की थी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CH3COOH इज 20% आयनाइज्ड इन 0.05 एम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, सर ये तो फिर से वही ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इस बार बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया, ये देखिए आप, अपन ये बात बोल रहे हैं कि ये एसिडिक एसिड जो है ना वो वीक एसिड है। बिल्कुल सही बात है, है ना, वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने कहा था अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है एबी टाइप का है, तो एबी टाइप का होता है तो के ए जो होता है वो होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। सर आज अल्फा नेगलेक्ट नहीं कर सकते, अल्फा नेगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्फा तभी नेगलेक्ट करना है जब अल्फा 5% या उससे कम हो। मैं तो कह रहा हूँ 10% तक चला सकते हैं, पर इससे ज्यादा में वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पे तो इसने बोल दिया सर 20% डिसोसिएट होगा, तो बहुत ज्यादा है, नहीं करना है सर। ओके, अब नहीं करना है। तो अपन को पूछा विलियन की पीएच क्या होगी, सर मेरे को ऐसा लग रहा है इसके अंदर एक डेटा मिसिंग हुआ है आई थिंक। सर डेटा इसका अपन सर डायरेक्ट ये भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा, लगा लो एच प्लस आयन का। तो सर ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग मैं पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला भी इधर लगा सकता हूं, 1/2 pKa - 1/2 log C। सर इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस पे पहुंच जाएगा। ठीक है सर, तो सर यहां से अपन सी की बात करें तो ये सी तो हो गया सर 5 × 10^-2 आ जाएगा। ठीक है सर, यहां से अपन को यदि के और पीके की बात करनी है तो सर यहाँ से मैं के निकाल लेता हूँ, के कैलकुलेट कर लो सर। तो सर के कैलकुलेट करें अपन, के बराबर हो जाएगा सी कंसंट्रेशन दे रखी है 5 × 10^-2। यस सर, अल्फा दे रखा है 20% का, मतलब 0.2 हो गया। बिल्कुल सही बात, ये 0.2 का हो गया स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - 0.2, मतलब 0.8 होने वाला है। बिल्कुल सही बात, 5 × 10^-2, इसको मैं लिख देता हूँ 4 × 10^-2। सही बात है, अपॉन में 0.8 लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 × 10^-4। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर यदि मैं यहाँ से ये तो के आया, इसका सर पीके और निकाल लेते हैं, पीके हो जाएगा सर इसका 4 - log 25, और log 25 को 5 का स्क्वायर करके लिखोगे तो ये 1.4 बन जाएगा सर। ये 1.4 बनेगा, तो पीके जो आएगा वो बनेगा 2.6। तो सर ये 2.6 आएगा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पीएच इज इक्वल टू 1/2 2.6 - 1/2 log। सी की वैल्यू की बात करूं तो 5 × 10^-2 आ जाएगा। सही बात है सर। बिल्कुल सर, तो सर इसको यदि अपन देखें तो यहाँ से ये तो 1.3 हो जाएगा, और सर इसको यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो सर ये माइनस में यदि मान लो अंदर भी ले जाऊं तो 2 - log 5 हो जाएगा दोबारा, 2 - log 5। तो सर ये 1/2 को तो ये बाहर ले लूं, माइनस अंदर लेके जा रहा हूं। ठीक है सर, तो 2 - log 5 की बात कर रहा हूं सर। सही बात है सर। सही है सर, तो सर ये 1.3 प्लस, अब सर इसको यदि थोड़ा सा अपन चेक, ये सर हो जाएगा आपका 1.3 हो जाएगा ये भी, तो सर ये 1.3 होगा 0.95 आ जाएगा। सही बात है सर। बिल्कुल, तो सर यहाँ से अपन इसको यदि कैलकुलेट करें तो सर ये अराउंड आपको क्या मिलने वाला है, 0.95 मींस 2 के आसपास। तो सर 2 के आसपास मिल रहा है, तो सर अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आएगा। आंसर 2 आना चाहिए सर।
तो आंसर सर इसका अपना जो मिलेगा वो 2 मिल जाएगा, तो इसका मतलब सर अपना थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही सर। ओके तो सर चलें आगे। सर यहां पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि आप अल्फा को नेगलिजिबल नहीं मानोगे, k बराबर c अल्फा स्क्वायर नहीं लिख सकते हो सीधा, ये लिख लेंगे तो सर दिक्कत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा सर। मतलब अल्फा 5% या उससे कम है तब आप बंदा को हटाओगे, मैं तो कह रहा हूं 10% से कम हो तो भी चल जाएगा सर। ओके 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 चले सर आगे। चले बिल्कुल सर। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपन अपन क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच गए हैं सर। 15 को चेक करते हैं। द नंबर ऑफ OH- आयन इन 1 ml सॉल्यूशन हैविंग pH इज इक्वल टू 4। सर बात pH और OH- की कर रहा है, तो मैं ये बोल दूं यदि pH यहां पे 4 है, H+ आयन आएगा सर सबसे पहले। हां या मैं ऐसे pH कैलकुलेट कर लूं, pH 10 हो जाएगा क्योंकि दोनों का एडिशन 14 है। जब तक नहीं बोला है टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है सर। तो यहां से pOH इतना आ गया, तो मैं बोल सकता हूं OH- आयन कंसंट्रेशन 10^-10 आएगी। सही बात है सर। सही सर। सर एक कॉन्सेंट्रेशन एक तरीके की मोलरिटी है ये सर, मोल पर लीटर, अगर इसकी यूनिट आप लिखोगे तो मोल पर लीटर आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, मोल पर लीटर। तो सर यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में बात करते हैं इसलिए ये सर मैं ऐसा बोल दूं कि 1 लीटर में जो है वो 10^-10 मोल है। बिल्कुल सही बात है सर, ये मोल की बात हुई सर। तो 1 ml में जो मोल होंगे वो 10^-13 मोल हो जाएंगे, क्योंकि सर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml है। अब मेरे से सर मोल नहीं पूछे, मेरे से पूछे नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस एक मोल में जो आयंस होते हैं वो होते हैं 6.02 × 10^23। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6.02 × 10^10 होना चाहिए सर। बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका इसका मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सर, ये बेसिक फॉर्मूले से है, मोल पर लीटर। आपको कंसेंट्रेशन जो आएगी वो मोल पर लीटर में आएगी, तो अपन को 1 ml में मोल कैलकुलेट करना है और एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पार्टिकल्स के इक्वल होंगे। ओके एवोगैड्रो नंबर की बात सर। ठीक है सर, तो इसका अपना थर्ड ऑप्शन आ गया। अब अपन सर क्वेश्चन 16 की ओर बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर क्वेश्चन 16 की बात करें, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट फॉर वाटर एट 60 डिग्री। सर ये जो आप बात कर रहे थे वो आगे आया कि 25 डिग्री सेल्सियस पे −14 होता है। यदि 60 डिग्री पे बात कर रहा है तो इसने पर्टिकुलर दिया है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सर kW की वैल्यू इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही बात है सर, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपना। और बेटा जब kW की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में kW होता क्या है, दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। सही बात है सर। बिल्कुल सर, आयोनिक प्रोडक्ट का नाम मतलब ये है कि आयंस का प्रोडक्ट करना है। ठीक है सर, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो kW बढ़ेगा। बिल्कुल। तो सर अब अपन इसमें आगे बात कर रहे हैं, क्या 60 डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो सर इसका अपन एक जनरलाइज ये भी बोल सकते हैं क्या कि kW से पहले अपन pKW निकाल लें। बिल्कुल सर। और pKW का हाफ कर दें तो न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट आ जाएगा। सही बात है सर। बिल्कुल सही। तो सर मेरे को यहाँ पे यदि kW की बात करूं तो वो दिया है 9.6 × 10^-14 दिया है। बिल्कुल तो सर इसका यदि अपन pKW निकाल लें तो सर pKW कैसे निकालेंगे, थोड़ा चेक कीजिएगा। pKW अगर इसका कैलकुलेट करोगे सर तो pKW आएगा इसका 14 − log 9.6। सर मतलब pKW के लिए वही क्या है, −log kW। बिल्कुल सर। तो सर इसको जैसे अराउंड थोड़ा सॉल्व कर लें, अगर सर इसको अगर एप्रोक्सीमेट सॉल्व करूंगा तो मैं लगभग 13 के आसपास आएगा सर, ये अराउंड 13 के आसपास, क्योंकि 9.6 से थोड़ा ज्यादा आएगा सर। ओके ओके, क्योंकि अपन इसको अराउंड 10 मान रहे हैं तो log 10 बन हो जाएगा। तो सर pKW अराउंड 13 या 13 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, मैं नियरली 13 लिख देता हूं। और बेटा ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे को न्यूट्रल पॉइंट देखना है, जैसे kW जब 10^-14 था उस टाइम pKW 14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो न्यूट्रल पॉइंट 7 आता है, मतलब जो pKW होता है उसका हाफ न्यूट्रल पॉइंट होता है। बिल्कुल सर। तो आज pKW अपना 13 पॉइंट समथिंग है, तो न्यूट्रल पॉइंट सर अपना 6.6 के अराउंड मान लें अपन। बिल्कुल सर। तो सर अपन यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं 6.6 के अराउंड, और हमको पता है आज न्यूट्रल पॉइंट 7 से 6.6 पे आ गया है। बिल्कुल तो सर। 6.6 से कम रहा pH तो एसिड होगा, और 6.6 के अराउंड रहा तो न्यूट्रल रहेगा, और 6.6 से ज्यादा होगा तो बेसिक रहा। तो आज हमारे को pH सर 7 बोला है जो 6.6 से ज्यादा है, इसका मतलब बेसिक है। तो सर मैं ये भी हटा सकता हूँ, ये भी हटा सकता हूँ, क्योंकि न्यूट्रल और एसिडिक नहीं होगा सर। अब सर बेसिक के दो है, हमारे को ये बता लग गया है कि न्यूट्रल पॉइंट इसका 6.6 के अराउंड है, तो सर ये अपन से अब H3O+ की वैल्यू पूछ रहा है कौन सा। बिल्कुल सर। तो सर अब इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा आगे पेज कर देते हैं। तो सर इसको सॉल्व करके बताइए क्या हो रहा है सर H3O+ का। H3O+ का अगर आपसे पूछा है सर उदासीन जलीय विलयन में H3O+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो H+ आयन OH- या H+ आयन जो होना चाहिए वो स्क्वायर रूट ऑफ kW के बराबर आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, स्क्वायर रूट ऑफ kW के बराबर आएगा। तो kW सर एप्रोक्सीमेट अपने पास ये था
9.6 इंटू 10^-40। बिल्कुल सही बात है सर। सर मैं इसको अप्रोक्सीमेट जो है वो ये लिख देता हूँ, 9 का स्क्वायर रूट 3 तो कंफर्म आएगा ही आएगा और 4 से कम आएगा, इधर 10^-7 बनेगा, 3. समथिंग कुछ बनने वाला है सर यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है क्योंकि सर 0.6 आगे लगा हुआ है। बिल्कुल, तो सर ये अराउंड मेरे ख्याल से 3 और इंटू 10^-7 आएगा, इसका मतलब इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो सर इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगी। आज आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये पता लगा कि जब आपको KW 25 डिग्री सेल्सियस के अलावा दे तो आप उस KW से PKW की वैल्यू निकालो और उसका हाफ करके न्यूट्रल पॉइंट पता कर लो। बिल्कुल सर, ऐसे ही करना पड़ेगा। चले सर आगे। बिल्कुल, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? क्वेश्चन 17 बोल रहा है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 1% आयनाइज्ड एट 1 m, 10% आयनाइजेशन ऑफ एसिड एट 4 m। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी के बेसिस पे ही है सर। सर वीक मोनोबेसिक एसिड की बात कर रहे हैं, एबी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया सर ओवरऑल, और एबी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने बोला के बराबर जो होगा वो सी अल्फा स्क्वायर होगा। तो सर यहाँ से मैं अल्फा और सी की बात करूँ तो मैं यहाँ तो कॉन्स्टेंट रहेगा सर, के जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक तो के चेंज नहीं होगा। तो सर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। बिल्कुल सर, यही होगा। तो सर यहाँ से मैं ये बोल दूँ कि अपना जो आ जाएगा अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 जो हो जाएगा वो C2 अपॉन C1 का अंडर रूट हो जाएगा। बिल्कुल सर। सर हमको अल्फा 1 दे रखा है 1%, अल्फा 2 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, C2 दे रखा है 4 m, C1 दे रखा है 1 m। तो यहाँ से सर मैं ये बात करूं तो अल्फा 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 2/1, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.5%। और सर 0.5% क्योंकि परसेंट में डायरेक्ट बात सही बात है, तो इसका मतलब सर अपना थर्ड, थोड़ा सा यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे तो ये ऑप्शन भी बच्चे ठीक कर देते हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। चले सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो क्वेश्चन 18 बोलता है डिसोसिएशन कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एसिडिक एसिड एंड HCN आर रेस्पेक्टिवली दिस वन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। ये सर एक्चुअल में अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम में इसलिए लिया है कि इसने एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट बोले, अदरवाइज अपन इसको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कर सकते हैं। सर ये वही रिएक्शन मोड वाला क्वेश्चन होगा। बिल्कुल वही है सर। ओके ओके, अगर आपने एसिडिक एसिड का लिखना है तो ये एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखोगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा CH3CO- NH+। सर इसका आ जाएगा 1.5 × 10^-5। HCl का लिखोगे तो इसका आएगा H+ + CN-। बिल्कुल सही बात है। अब आप चेक कर ले सर रिएक्शन किस मोड में रखनी है, तो HCl और CH3CO- को उधर लेके आना है। तो सर इस रिएक्शन को रिवर्ट करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स हो जाएगा, तो इनवर्स हो जाएगा तो इसका हो जाएगा सर 1.5 × 10^-5। ऐसे सर जब ये रिवर्स कर देंगे तब बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका नहीं, इसका नहीं होगा, जब रिवर्स करेंगे उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो जैसे रिवर्स करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आपस में क्या आ जाएगा, अपना इन्वर्ट हो जाएगा। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 4.5 × 10^-10। तो सर जैसे ही इन दोनों रिएक्शंस को अपन ऐड करने वाले हैं तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही सर मल्टीप्लाई होगा तो अपन ये बोल सकते हैं 1/1.5 × 10^-5 × 4.5 × 10^-10। तो यहां से ये सर 3 चला गया है और सर अपन 3 × 10^-5 बताएगा सर। बिल्कुल सर, तो सर इसका अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सर इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर। चले सर आगे। चले सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 19, कंजुगेट बेस ऑफ HO2- इज, ये ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी से रिलेटेड हो गया सर। कंजुगेट बेस कैलकुलेट करना है अगर आपको HO2- का, अगर इसका कंजुगेट बेस कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये खुद एसिड की तरह ट्रीट करे। बिल्कुल सही बात है। और अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि ब्रोंस्टेड एसिड वो होता है जो प्रोटॉन H+ आयन को क्या करे, रिलीज, अगर ये H+ आयन हटा देता है तो O2 के ऊपर बनेगा -2 और O2 के ऊपर -2 स्पीसीज जो बनती है इसको अपन बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल सही, सर परऑक्साइड बनेगा, परऑक्साइड का केस हो, परऑक्साइड का हो गया, O2-2 बनेगा, बिल्कुल, तो O2-2 होगा और परऑक्साइड आयन होगा। तो सर इसका थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स। तो पहली बात तो इसमें अपन को फॉल्स पूछा है, इस चीज का ध्यान रखना है। मैंने ये फर्स्ट वाले रिलेशन का सर अभी लास्ट वाले प्रॉब्लम में यूज कर लिया था जब अपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मैंने H+ आयन को √KW के बराबर किया था। बिल्कुल सही बात है। तो H+ आयन और OH- आयन की कंसेंट्रेशन वाटर में हमेशा इक्वल होगी और वो किसके बराबर होगी √KW
एट ऑल टेम्परेचर, क्योंकि KW जो होता है अपना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, प्लस इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। अगर आप इसको x इनटू x भी कंसीडर करोगे तो वो KW के बराबर आएगा, तो x बराबर जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ KW हो जाएगा, क्योंकि जब अपन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो H प्लस और OH माइनस न्यूट्रल के केस में वाटर के केस में न्यूट्रल रहेगा तो बराबर होना चाहिए। तो सर ये अपना फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि फॉल्स पूछा है इसमें। बिल्कुल सर। सर सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा है फॉर एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो सर ये बात सही है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ KW से ज्यादा होगा, और सर यदि ये ज्यादा होगा तो वो कम होगा, कम होना क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट मिल रहा है जो एक फिक्स टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहेगा, इस हिसाब से तो थर्ड भी राइट हो गया सर, क्योंकि अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब बेसिक जो KW से मतलब OH- ज्यादा होगा और ये कम रहेगा, तो सर ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है अपना, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा अपना फोर्थ। सर यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी एक बार क्वेश्चन किया था कि ये 10^-7 जो है वो क्या ओल्ड टेम्परेचर पे रहेगा क्या? नहीं सर, ये जब अपन जब तक 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तब तक तो सही है, यदि 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को वेरी करेंगे तो KW की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग वेरी होगी, तो इसका मतलब ये तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही वैलिड है। हाँ, तो सर ये ओल्ड टेम्परेचर लिख दिया इसलिए गलत है, 25 डिग्री बोल देता तो सही बात हो, ठीक है इसका सर अपना ये इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट ही पूछा है, तो अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट हो गया चले सर आगे। बिल्कुल सर, तो क्वेश्चन 21 की बात करें, हमको बोला है PKB फॉर फ्लोराइड आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 10, देन आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर HF इन वाटर एट दिस टेम्परेचर विल बी। सर ओवरऑल ये हो गया कि PKB दे रखा है फ्लोराइड का और HF का पूछा है, तो HF और फ्लोराइड आयन जो है सर वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। बिल्कुल सही बात, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में H प्लस का डिफरेंस होता है, तो ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस के पेयर बन गए। तो सर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पता लग गया तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकता हूँ PKa plus PKb is equal to PKw। बिल्कुल सर, तो यहाँ से यदि अपन बात करें PKa plus PKb is equal to PKw, और सर आज हमको 25 डिग्री सेल्सियस बोल दिया तो सर PKw अपना 40 हो जाएगा, तो सर क्लोराइड आयन के लिए हमको PKb दे दिया है 10, तो मैं यहाँ से PKa निकाल लूं तो वो हो जाएगा 14 - 10 4 आ जाएगा, और यदि PKa 4 आ गया तो K जो अपना एसिड है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा 10^-4। सही बात है सर। बिल्कुल सर, ये पूरे के पूरे अपन ने आयोनिक इक्विलिब्रियम के 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है सर। तो सर इसका अपना ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। बिल्कुल, अपने सर इस पूरे आज टॉपिक के अंदर एसिड बेस थ्योरी, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मींस इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी कंप्लीटली बात की, वाटर से रिलेटेड बात KW की, और पूरे पीएच एसिड बेस मिक्सचर ऑफ एसिड बेस वीक एसिड इन सब की बात कर ली है, ठीक है आप इनको अच्छे से सॉल्व करें और समझे, ठीक है सर। बाकी अपन आयनिक सेकंड में जो अपने टॉपिक रह गए हैं जिसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन और अपन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वहां बात करेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एक बार आप CLC के यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें जिससे आपको कंटिन्यू गुरु नीति के जितने भी एपिसोड है वो मिलते रहे। थैंक यू। ओके, थैंक यू।